हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के दिन की जो शुरुआत है वो हो रही है, सुबह के बज रहे हैं 8। तो आज ना काफ़ी लेट हो गया है और तेजस के जो स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो भी ख़त्म हो गई है, इसलिए ही मुझे लेट हुआ है। क्योंकि ना उसके इतने दिन से जो है काफ़ी एक हफ्ता हो गया था उसके स्कूल की छुट्टियाँ पड़ रखी थी, तो आज ना मेरे को फिर ऐसा मतलब हम तो लेट ही जब क्योंकि और दिन क्या होता था हस्बैंड जो है वो ऑफिस लेट जाते हैं, तो इस वजह से हम ना ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो मैं लेट ही स्टार्ट करती थी। तो आज ना तेजस को स्कूल जाना है तो इसलिए इतनी जल्दी हो रही है कि फटाफट से, क्योंकि और सर्दियों में ना ये भी होता है कि ना मतलब सर्दियों में लेट ही जो है वो मन सुबह लेट ही उठते हैं, फिर काम भी जो है वो थोड़ा स्लो ही होता है। तो यहाँ पे जो है फिर अब मुझे बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। 9 बजे उसका स्कूल का टाइमिंग है जाने का, तो यहाँ पे अभी उसको नहलाना भी है, रेडी भी करना है, फिर उसको खाना भी खिलाना है, ये सब चीज़ें हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ उसका जो है, ऐसे ना मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ। हलवा उसको बहुत पसंद है लेकिन मैं सूजी का बनाती हूँ, लेकिन आज जो है मैं आटे का हलवा बना रही हूँ। और आटे का हलवा जो है कहते हैं कि सर्दियों में जो है बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं आज मैंने सोचा मैं आटे का हलवा ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ना चीनी नहीं, मैंने चीनी में नहीं मतलब चीनी नहीं डाली है सूजी के हलवे में जैसे मैं चीनी डालती थी। तो यहाँ पे जो है आज मैंने गुड़ में बनाया हलवा, तो उसके लिए मैंने पहले गर्म पानी में जो है मतलब गर्म जो पानी है ना उसको काफ़ी मतलब उबाला है, मतलब इतना उबाला है कि खोल सा गया है और उसमें गुड़ जो है वो अच्छे से पिघल भी गया। फिर आटे को जो है अच्छे से भुना है जब तक आटे, क्योंकि फिर ना कच्चा आटा जो होता है वो अच्छा भी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने आटे को जो है वो अच्छे से भुनने के बाद फिर उसमें जो है पानी डाल दिया वो गुड़ वाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से ना पतला बन गया है, तो वैसे ना थोड़ा सा मोटा भी होता है, वैसे पतला भी अच्छा लगता है, ऐसे पीने में खा मज़े आते हैं जैसे कि हम कोई सब्जी की रस्से वाली सब्जी होते हैं ना वैसे पी रहे हो, वैसे इसको पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई है तो इसमें बहुत ज़्यादा ही काला लग रहा है ये, तो यहाँ पे है ये बहुत ही पतला बन गया है, मैंने आटा थोड़ा सा कम ही डाला था। तो इसको थोड़ी देर जो है मैंने फिर उसके बाद पानी डालने के बाद इसको फुल गैस पर जो है फिर पकाया मैंने अच्छे से ताकि अच्छे से पक जाए। तो तब मैंने ये सोच के भी काफ़ी पका रही थी कि थोड़ा सा जो है ये गाढ़ा भी हो जाए, लेकिन ये हुआ ही नहीं, आटा जो है वो कम ही हो गया था। तो यहाँ पे बच्चे को मैंने स्कूल के लिए रेडी करके उसको मतलब खाना वगैरह खिला के फिर मैंने उसको स्कूल भेज दिया है। तो यहाँ पे हम सबका जो है ब्रेकफास्ट हो गया है। तो आज ना मुझे करनी है किचन की पूरी क्लीनिंग, क्योंकि ना किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, काफ़ी दिनों से जो है घर की क्लीनिंग जो है ना वो हो ही नहीं पा रही है। क्योंकि ना क्या हुआ है, मम्मी पापा आए थे तो हम थोड़ा घूमने में ही जो है बिजी हो गए थे, इधर उधर चले जाते थे, तो सुबह जो है जल्दी काम करके फटाफट से काम करके फिर घूमने निकल जाते थे, तो इस वजह से जो है किचन की अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही और जो डिब्बे वगैरह हैं बर्तन वगैरह जो हैं ये काफ़ी चिपचिपे हो रखे हैं। तो पहले मैंने सोचा कि ना ब्रेकफास्ट के जो है बर्तन जो है सारे बर्तन जो है पहले मैं वो माँज लेती हूँ फिर उनको बाहर रख दूँगी, क्योंकि मुझे पूरे ही किचन की जो स्लीप वगैरह है वो सारी जो है वो धोनी है। तो यहाँ पे मैंने किचन बर्तनों को जो है धो के अभी ऊपर के बर्तन जो है वो नहीं निकाले, अभी ना मैं जो मैंने स्टैंड पे रखे हैं बर्तन वो नहीं निकालूंगी क्योंकि काफ़ी देर हो जाएगी, फिर बच्चे को जो है स्कूल से लेके भी आना है, तो इसलिए। और वैसे ना मम्मी ने ना बहुत काफ़ी हेल्प कर दी है तो इस वजह से जो है काफ़ी काम जो है वो हो भी गया है। तो यहाँ पे जो है मैं अब कर रही हूँ डब्बों को साफ, तो मैं अंदर जो है ना डब्बे ना मैंने कहा कि यहीं पर ही बाहर जो है चौकड़ी पे साफ करके डब्बों को जो है, और वैसे भी ना धूप यहाँ पे धूप भी बहुत अच्छी हो रही है तो इसलिए मैंने यहीं पर ही धो दिए, और यहाँ पे फिर इनको धूप में रख दूँगी, यहाँ धोती रहूँगी और बाहर मतलब उधर की साइड को दूसरी साइड को जो है डब्बों को धूप में रख दूँगी ताकि वो जल्दी से सूख जाएंगे, तब तक मैं अंदर का काम कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अभी जो स्लिप की जो शीट वगैरह हैं और डब्बे वगैरह जितने भी हैं सारे मैंने जो है सारे धो दिए हैं, गर्म पानी नहीं किया मैंने इसके लिए, तो मैंने जो है वो डिश वॉश यूज़ किया है, डिश वॉश का यूज़ करने के बाद ही जो है डिश वॉश को यूज़ करके जूने से जो बर्तन धोने वाला जूना था उसी से जो है साफ़ किया है। तो यहाँ पे डब्बे धुलने के बाद फिर जो है मैं अब कर रही हूँ शीटों को साफ, तो ये जो शीट है ना ये भी बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाती हैं, तो मैंने इनके लिए भी जो है गर्म पानी नहीं किया,
तो गर्म पानी में मैंने नहीं किया इनको, जो है अच्छे से मतलब साबुन लगा के ब्रश लगा के फिर मैंने इनको अच्छे से साफ़ करके धूप में रख दिए। तो यहाँ पे मैंने पहले जो है डब्बों को और जो शीट वगैरह उसका काम किया, तो वो तब तक बाहर जो है धूप में सूख जाएंगे तब तक मैं अंदर का किचन का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर किचन की जो स्लिप है मैंने इनको भी आज जो है पूरी धोनी है, और फिर उसके बाद जो है ये खिड़की जो है ना ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, क्योंकि क्या होता है गैस का जो मतलब सब्जी का मतलब छोका वगैरह होता है ना, तो उससे जो ये खिड़की के जो किनारे होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो इसलिए मैंने ना सारा पूरा जो है ना डिश वॉश से ही जो है साफ़ किया है, स्लिप को भी जो है मतलब पानी से पूरा धो के फिर उसको वाइपर से अच्छे से उसमें पानी निकाला, ताकि जो है एक भी बूंद जो है ना वो पानी की जो है ना वहाँ स्लिप में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है जल्दी नहीं सूखेगी। गर्मी होती ना तो जल्दी सूख जाती, सर्दियों में थोड़ा सा नहीं सूख पाती है स्लिप वगैरह, थोड़ा टाइम लगता है। और इससे फिर मैंने कहा कि मुझे तो बहुत जल्दी है काम करने की, क्योंकि मुझे बच्चे को भी लेके आना है, बहुत सारे काम है अभी, बहुत मतलब अभी जो है कपड़े भी बाकी। वैसे ना मम्मी जो है वो अंदर का काम कर रहे हैं, तो मैं जब तक किचन का काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे गैस भी जो है मैंने फिर उसके बाद पूरी स्लिप वगैरह धोने के बाद, और ना सबसे अच्छी बात क्या है कि ना जो मैंने ये टाइल्स में जो शीट चिपका रखी है ना, इसको मेरे को ये इतनी बार मैंने इनको धो दिया है ना, ये फिर भी जो है ना नहीं निकलते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये शीट को धो दूंगी ना तो इसमें से जो मतलब इसके पीछे जो गोंद वगैरह जो भी है जिससे ये चिपकी हुई है तो ये जल्दी निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने काफ़ी टाइम बाद धो दिया है लेकिन ये नहीं निकले हैं। ये मुझे इस शीट की बहुत अच्छी वो लगी कि हाँ इससे मेरे को मतलब काफ़ी मेरे को मतलब ठीक है, ये मेरे वेस्ट नहीं हुआ है मनी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद पूरी स्लिप वगैरह साफ़ करने के बाद नीचे वैसे बाकी के पूरे कमरे में जो है पोछा लग चुका है, मम्मी ने पूरा काम अंदर का सारा कर लिया है, तो यहाँ पे किचन का ही रह गया था पोछा वगैरह, तो वो मैंने जो है अच्छे से साफ़ कर लिया नीचे सारा पानी, क्योंकि स्लिप वगैरह धोई थी तो नीचे पूरा गीला हो गया था, झाड़ू लगा नहीं सकते क्योंकि झाड़ू पे जो है वो चिपक जाती फिर मिट्टी, इसलिए मैंने जो है पूरे पोछे से एक बार साफ़ करके फिर उसके बाद दोबारा जो है पोछे से मतलब साफ पोछे से जो है सारा कचरा निकाल दिया है। फिर उसके बाद जो है शीट भी सूख गई है, पूरी स्लिप वगैरह जो है वो भी धुल गए हैं। तो अब बारी आती है बर्तनों को लगाने की, क्योंकि अब बर्तन भी जो है बाहर धूप में जो है सूख गए हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को जो है, और यहाँ पे ना मतलब धूप जो है वो आ रही है, तो धूप आती है ना तो ठीक है, सर्दियों में ना या वरना धूप नहीं आती ना तो बड़ी दिक्कत होती है, कपड़े सूखने की टेंशन, हर चीज़ की कि आप किचन साफ भी नहीं कर सकते। तो ये है छोटी सी वीडियो, अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुँच जाए। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।